कैसे पता चलेगा कि सामने वाला भगवान का भक्त है? मेरे प्रभु के श्री मुख वचन है, ए जी मम गुण गावत फूलक शरीरा, मम गुण गावत फूलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। राम जी कहते हैं कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है, मम गुण गावत। जब वो मेरा गुणगान करेगा तो क्या होगा, पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाएंगे, और गाते गाते गद गद गिरा, गिरा यानी वाणी, वाणी का गदगद होना समझते हैं। जब प्रेम प्रेम अपने प्रवाण पर पहुंचता है ना, तुम्हारे प्रेम के कारण जीव बोल नहीं पाता है, प्रेम की प्रगाढ़ता में शब्द समाप्त हो जाते हैं। और याद रखिएगा, जब ये काम करना बंद कर देता है फिर आंखें बोलना प्रारंभ कर देती हैं। कैसे, नयन बह नीरा, भगवान के भक्त का लक्षण है जब वो भगवान का गुणगान करता है, ऐ शरीर पुलकित हो जाते हैं, गाते गाते वाणी अवरुद्ध होने लगती है और नेत्र से प्रेम के अश्रु निकल पड़ते हैं। ये सारे लक्षण भरद्वाज जी में घटित हो रहे हैं। कथावाचक के सामने जब श्रोता बैठकर प्रेम से कथा सुनने लगता है ना, तो श्रोता से अधिक आनंद वक्ता को आता है। भरद्वाज रूपी श्रोता को पाकर याज्ञवल्क ऋषि धन्य हो गए, कथा को बंद किए और लगे भरद्वाज जी की प्रशंसा करने। हे भरद्वाज जी, आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। क्यों, आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं, इस रहस्य को मैं जान गया हूं, आप धन्य है। धन्य कौन जानते हैं, मानव का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त हो गया है वो जीव धन्य है। केवल वो जीव नहीं धन्य है, उसका पूरा का पूरा कुल खानदान धन्य है। शंकर भगवान कहते हैं उत्तरकांड में, पूरी राम कथा जब बीत गई तो अंतिम अंत में ये चौपाई है, मां पार्वती से बाबा कहते हैं, देवी सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायना जेहि नर उपजवीत। भगवान शंकर कहते हैं देवी वो कुल धन्य है, कुलम पवित्रम। कौन सा कुल, जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है। आपको बताऊं, एक भक्त 21 पीढ़ी को तार देता है। यदि कुल खानदान में एक भक्त जन्म ले ले तो पीछे की 10 पीढ़ी, आगे आने वाली 10 पीढ़ी कितनी हो गई, 20। और एक वो जिसमें उसने जन्म लिया है वो पीढ़ी, एक भक्त 21 पीढ़ी को तारता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान के सामने जाइए तो प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे बेटे को डॉक्टर बनाइएगा चाहे मत बनाइएगा, वो इंजीनियर बने चाहे न बने नाथ, अपना भक्त अवश्य उसे बनाइएगा। क्यों, सब बन गया और भक्त न बना सब व्यर्थ है।
सब व्यर्थ है माई बाप, भक्त बन गया ना, ए जो करेगा अच्छा करेगा। आप विश्वास में रहिए,